प्रो कबड्डी सीजन 8 का मैच नंबर 33 यूपी ओदा वर्सेस तमिल थलाइवास के बीच में खेला जाएगा। एंड इस मैच में दोनों टीम्स की क्या स्टार्टिंग सेवन रह सकती है, दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, दोनों टीम्स को एनालाइज करने वाले पूरा मैच को डिटेल में प्रीव्यू करेंगे। तो गाइस वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस बिना देरी किए एक और नए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको आज के मैच के मेन्यू के बारे में बता दूं कि आखिर कौन कौन से टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम दोनों टीम्स की स्टार्टिंग सेवन के बारे में बात करेंगे, देन दोस्तों यहाँ पे हम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की तरफ नजर डालेंगे, देन दोस्तों यहाँ पे हम दोनों टीम्स को एनालाइज करने वाले एंड फाइनली एंड में प्रेडिक्शन करेंगे कि कौन सी टीम मैच जीत सकती है। तो चलो फटाफट यहाँ पे मैं आपको दोनों टीम्स की स्टार्टिंग सेवन बता दूं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी ओदा की स्टार्टिंग सेवन की। तो गाइस यहाँ पे यूपी ओदा के स्टार्टिंग सेवन में देखने को मिल जाएंगे प्रदीप नरवाल, आशू सिंह, शुभम कुमार, रोहित तोमर, सुरेंद्र गिल, नीतीश कुमार एंड सुमित। ये यूपी ओदा की स्टार्टिंग सेवन थी जहां पे पिछले मैच में थी, जहां पे प्रदीप नरवाल को 4 पॉइंट्स मिले, आशु सिंह को 2 पॉइंट मिला, शुभम कुमार को एक भी पॉइंट नहीं मिला, रोहित तोमर को 2 पॉइंट्स मिले, सुरेंद्र गिल को 8 पॉइंट्स मिले, नीतीश कुमार को 1 पॉइंट मिला एंड वहीं पे सुमित को टोटल 6 पॉइंट्स मिले। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे यूपी ओदा की टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, बस प्रदीप नरवाल का फॉर्म थोड़ा और बेहतर हो सकता है, परफॉर्मेंस और ज्यादा बेहतरीन कर सकते। शुभम कुमार ने ऐसा नहीं खेला, नीतीश कुमार का भी फॉर्म यहाँ पे पता नहीं चल रहा क्यों नहीं खेल पा रहे, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे टीम वर्क काफी अच्छा यहाँ पे यूपी ओदा की टीम ने लास्ट मैच में दिखाया था एंड मुझे लगता है कि यही सेम स्टार्टिंग सेवन यूपी ओदा की इस मैच में रहने वाली है। अब दोस्तों बात करते तमिल थलाइवास की स्टार्टिंग सेवन की। तो गाइस यहाँ पे तमिल थलाइवास के स्टार्टिंग सेवन में देखने को मिल जाएंगे मंजीत, सुरजीत सिंह, मोहित, अतुल एम एस, भवानी राजपूत, सागर एंड साहिल सिंह। ये तमिल थलाइवास की स्टार्टिंग सेवन थी जहाँ पे पिछले मैच में थी, जहाँ पे मंजीत को 10 पॉइंट मिले, सुरजीत सिंह को 2 पॉइंट्स मिले, मोहित को 2 पॉइंट्स मिले, अतुल एमएस को 3 पॉइंट्स मिले, भवानी राजपूत को 3 पॉइंट्स मिला एंड वहीं पे सागर को 6 पॉइंट्स मिले, साहिल सिंह को एक भी पॉइंट नहीं मिला था। अब काफी ने देखा जाता है यहाँ पे तमिल थलाइवास की टीम काफी बेहतरीन प्रदर्शन सीजन 8 में दिखा रही है, रेडिंग डिपार्टमेंट चल रहा है, डिफेंस भी यहाँ पे काफी बेहतरीन खेल रही है। अब देखा जाता है तमिल थलाइवास का भी मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बढ़ते अपने दूसरे राउंड यानी कि हेड टू हेड राउंड की तरफ, यानी कि हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में आखिर कौन सा टीम का पलड़ा भारी है। तो गाइस यहां पे यूपी ओदा एंड तमिल थलाइवास के बीच में अब तक प्रो कबड्डी के इतिहास में टोटल 8 बार मैचेस हो चुके हैं, जहां पे यूपी ओदा की टीम 3 बार जीती है एंड वहीं पे तमिल थलाइवास की टीम 2 बार जीती है एंड 3 बार जो मैचेस है वो यहाँ पे टाई हुए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स काफी ज्यादा यहाँ पे करीबी है, जहां पे यूपी ओदा की टीम सिर्फ एक ही बार आगे एंड देखा जाए तो टाई मैचेस बहुत ज्यादा, तमिल थलाइवास की टीम जितने बार जीती नहीं है उतने बार मैचेस टाई हुए। तमिल थलाइवास ज्यादातर टाई मैचेस खेलती है, इस सीजन भी आप देख सकते हैं कि टोटल 3 मैचेस टाई कर चुके हैं 5 मैचेस में से, क्या चौथा टाई इस मैच में हो ना जाए, ज्यादा चांसेस तो यही लगता है। अब प्रेडिक्शन भी मुझे टाई करना पड़ेगा बिकॉज हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में भी तमिल थलाइवास का जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो यहाँ पे टाई निकल के आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे दोनों टीम्स को एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी ओदा की। तो गाइस यहाँ पे यूपी ओदा की टीम ने टोटल 5 मैचेस खेले जिसमें से 1 मैच जीती है, 2 मैच हारी एंड 2 मैचेस टाई हुए एंड इनके पास टोटल 13 पॉइंट्स है। अब बात की जाए रेडर्स की, तो गाइस रेडर्स उस हिसाब का परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे जिस हिसाब का हमें ऑन पेपर देखने को मिल रहे थे। श्रीकांत यादव, प्रदीप नरवाल का जोड़ी, सुरेंद्र गेल काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, लेकिन उस हिसाब का परफॉर्मेंस अभी तक तीनों के दिखा नहीं पा रहे। किसी मैच में सुरेंद्र गिल चल रहे हैं तो किसी मैच में प्रदीप नरवाल परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अब देखा जाए सबसे मेनली जिस हिसाब से टीम डिपेंड थी प्रदीप नरवाल पे, उस हिसाब का प्रदर्शन नहीं दिखा पा रही है। प्रदीप नरवाल का फॉर्म आई डोंट नो क्यों नहीं चल रहा है, या फिर डिफेंस काफी बेहतरीन हो चुकी है अपोनेंट टीम के। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गाइस यहाँ पे प्रदीप नरवाल को अपने फॉर्म में वापस आना होगा एंड सपोर्टिंग में सुरेंद्र गिल का फॉर्म तो चल ही रहा है। एंड वे बात किया डिफेंस की, तो गाइस डिफेंस भी काफी वीक हमें देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार का फॉर्म हमें देखने को नहीं मिल रहा है, कभी पहले ऐसे था कि नीतीश एंड सुमित चलते ही थे, लेकिन सुमित तो अपने फॉर्म में चल रहा है लेकिन नीतीश कुमार का उस हिसाब का फॉर्म हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं आशु सिंह भी थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, शुभम कुमार को लास्ट मैच में भी पॉइंट नहीं मिला, कम से कम 1-2 पॉइंट यहाँ पे ले ही सकते एंड यही कारण बनता है कि जो यूपी ओदा की टीम अब तक 2 मैचेस टाई कर पाई है एंड सिर्फ एक ही मैच जीती है 5 मैचेस में से। अब यहाँ पे बढ़ते हैं तमिल थलाइवास की तरफ। तो कैसे यहाँ पे तमिल थलाइवास की टीम ने कुल यहाँ पे 5 मैचेस खेले जिसमें से 1 मैच जीती है, 1 मैच हारी है एंड
तीन मैचेस टाई रहे, इनके पास टोटल 14 पॉइंट्स है। अब देखा जाए तो गाइस यहां पे रेडर्स काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, मेन रीजन मनजीत है। मनजीत का परफॉर्मेंस हर मैच में काफी बेहतरीन हो रहा है, मनजीत का यहाँ पे फॉर्म देखने को मिल रहा है। एंड साथ ही साथ अतुल MS भी कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो गाइस यहां पे डिफेंस भी काफी यहाँ पे मेन कोर देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। कप्तानी पारी सुरजीत सिंह हर मैच में दिखा रहे, टीम को अच्छे से संभाल रहे। मोहित का भी फॉर्म हमें लास्ट मैच में देखने को मिला, सागर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस लास्ट मैच में दिखाया, भवानी राजपूत का भी फॉर्म देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमिल थलावास की टीम काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रही है टीम वर्क के हिसाब से। लेकिन जो मेन दिक्कत है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ में निकल के आ रहा है, सेकेंड हाफ में जो बात ये वो यहाँ पे पूरी तरह पलट जाता है एंड डिफेंस काफी ज्यादा गलतियां करती है। अब यही चीज पे डिपेंड करना है कि जो गलतियां है वो यहाँ पे ना करे, एंड जिस आपका फॉर्म रेडर्स एंड डिफेंस दिखा रही है वो यहाँ पे फॉर्म बरकरार रखना है। साहिल का फॉर्म थोड़ा इशू कर सकता है, लेकिन साहिल सिंह का भी फॉर्म में भी आ जाए वापस, लेकिन जो बाकी सब है उनको उसी हिसाब का परफॉर्मेंस दिखाना होगा। अब दोस्तों बढ़ते अपने फाइनली राउंड आने की प्रेडिक्शन की तरफ, आखिर जो मैच है वो यहाँ पे कौन सी टीम जीतने वाली। तो गाइस मुझे लगता है कि जो मैच है वो यहाँ पे यूपी योद्धा की टीम जीतने वाली है, या फिर जो ये मैच है वो यहाँ पे टाई भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे दोनों टीम्स काफी ज्यादा मैचेस टाई कर चुकी है एंड हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में भी काफी ज्यादा टाई है। तो मैं 50-50 कहना चाहता हूँ कि यूपी योद्धा की टीम जीतेगी या फिर ये जो मैच है वो यहाँ पे टाई होने वाला है। आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम मैच जीत सकती है आप भी कॉमेंट करके जरूर बताएगा। एंड वीडियो को भी पैन करते हैं, वीडियो आपको थोड़ी पसंद आए इसी को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जोर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद है आपको अच्छे लगेगी, मिलते हैं कौन है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।